हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। देखते हैं आप दोनों की आज की एनर्जी कैसे रहने वाली है। सो इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली टू पार्ट्स में डिवाइड और हम देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और आपके पार्टनर्स की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रही है। तो पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है हमारी तरफ द माइजर, देन वी हैव एक्सपीरियंसिंग द बर्डन, कंडीशनिंग, स्ट्रेस। आज की एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है मेरे व्यूअर्स डेविल एनर्जी में हैं। या तो आप खुद बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, पैशनेटली अपने पर्सन को याद कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही पॉजेसिव हो जाएं, आपको ऐसा लगे कि शायद आपके पर्सन आपसे दूर ना हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल आपको भूल गए हैं, आपको याद नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। वेट करते करते आपकी, मतलब एक होता है ना कि एक इंसान वेट करता है करता है करता है और फिर उसको लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है या हो सकता है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, तो ये आप में से कुछ ही लोगों की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी है। आज के दिन आपको ये भी नज़र आएगा कि आपके पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं दूर गए हैं, और आप ये देख लोगे या पता चल जाएगा तो आप और ज़्यादा टेंशन लेने लगोगे कि वो किसके साथ गए हैं, कहीं उनके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से पता चलेगा, वो सच हो या झूठ हो डजंट मैटर, बट आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हुए नज़र आ रहे हो। कलेक्टिव एनर्जी में स्ट्रेस है, डेविल एनर्जी है, झगड़ा भी हो सकता है। अगर आप कांटेक्ट में हो तो शक की वजह से झगड़ा हो सकता है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या आपके लाइफ में आज के दिन में कोई कार्मिक अगर है तो वो आपको ट्रिगर कर सकता है, कोई आप पे बरस सकता है, आपसे झगड़ा हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है। पैसों को लेकर भी आज खर्च ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपकी एनर्जी में। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, फालतू का स्ट्रेस ना लें। हो सकता है वो चीज़ें आपके दिमाग में नेगेटिविटी जो है उसको आप, अगर आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे तो वो चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। सो नेवर मैनिफेस्ट नेगेटिव थिंग्स जब तक वो 100% डैम श्योर ना हो आप कि ये चीज़ें हैं, तब तक उसका स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। आपके पर्सन की तरफ फर्स्ट कार्ड है कंप्लीशन, सेकंड कार्ड है साइलेंस, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। द मास्टर, उससे भी प्यारी एनर्जी है। अवेयरनेस, आपके पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो लेकिन ये बिल्कुल साइलेंस में है, कुछ बोलना नहीं चाहती या चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते। अपने अंदर ही इन्होंने पूरी तरह से अवेकनिंग प्रोसेस, जैसे होता है ना कि अपने अंदर इन्होंने इतनी शक्ति जागृत करी है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब जानते हैं, ये सब छोटे छोटे ड्रामे में नहीं पढ़ना चाहते, इनको सब पता है, ये अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं, होलनेस में आ चुके हैं, और अब इनको ये भी पता है कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है, कौन इनके लिए अच्छा है, कौन इनके लिए बुरा है। आपको जताने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमेशा एक्सप्रेस करते थे कि वो तुम्हारा दुश्मन है या उससे दूर रहो या तुम अपना ध्यान नहीं रखती या नहीं रखते या उससे बातचीत मत करो, तो अब इनको सब पता है कौन सही है कौन गलत है। आपको फोकस सिर्फ अपने ऊपर करना है। बॉटम की एनर्जी है आपके पार्टनर की द ड्रीम, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लविंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, अपनी ही धुन में मस्त हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए, जो होगा बेस्ट होगा, ठीक। तो ये है आज की एनर्जी आप दोनों की। सो मिलते हैं बड़ी वाली रीडिंग पे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।